हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके पॉइंट। दोस्तों, आज की वीडियो मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए है और ये क्वेश्चन मैकेनिकल वालों को इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर प्रिपेयर करें। और आज की वीडियो का लाइक का टारगेट रखा है 100 लाइक। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पिस्टन का प्रयोग किस टाइप के पंप में किया जाता है? दोस्तों, अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। आपके पास 5 सेकंड है। दोस्तों, पिस्टन का प्रयोग रेसिप्रोकेटिंग पंप में किया जाता है और सेंट्रीफ्यूगल पंप में इंपेलर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, बेयरिंग को शाफ्ट से बाहर निकालने में किस टूल का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, अगर आप वर्कशॉप में काम करते हैं तो आपको इस प्रश्न का उत्तर पता होगा। तो आपके पास 5 सेकंड है। दोस्तों, बेयरिंग या फिर किसी पुली या फिर किसी कपलिंग को शाफ्ट से बाहर निकालने के लिए पुलर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, सीआई धातु का फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर भी हमको पता होना चाहिए। आपके पास 5 सेकंड है इसका आंसर देने के लिए। दोस्तों, सीआई की फुल फॉर्म होती है कास्ट आयरन। सेंट्रीफ्यूगल पंप में बेयरिंग हाउसिंग और केसिंग और गेयरबॉक्स में गेयरबॉक्स की बॉडी कास्ट आयरन की ही बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 4, सेंट्रीफ्यूगल पंप की सक्शन लाइन में कौन सा प्रेशर क्रिएट होता है? दोस्तों, आंसर पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट होता है या फिर नेगेटिव। आपके पास 5 सेकंड है। दोस्तों, सेंट्रीफ्यूगल पंप की सक्शन लाइन में नेगेटिव प्रेशर यानी वैक्यूम क्रिएट होता है और इसी वैक्यूम की मदद से पानी सम्प से सक्शन लाइन से होके पंप की केसिंग में आता है। क्वेश्चन नंबर 5, बेयरिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर भी हमको पता होना चाहिए कि बेयरिंग को हिंदी में क्या कहा जाता है। आपके पास 5 सेकंड है। दोस्तों, बेयरिंग को हिंदी में धारुक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, रेडियल लोड के लिए किस टाइप के बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, यह प्रश्न पक्का इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। आपके पास 5 सेकंड है। दोस्तों, हैवी रेडियल लोड और लो आरपीएम में रोलर बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, रेफ्रिजरेटर में किस टाइप के कंडेंसर का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, 5 सेकंड आपके पास इसका आंसर देने के लिए। दोस्तों, प्लेट एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर का प्रयोग किया जाता है रेफ्रिजरेटर में। क्वेश्चन नंबर 8, बेयरिंग कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों, ये क्वेश्चन भी पक्का इंटरव्यू में पूछा जाता है। आपके पास 5 सेकंड है इसका आंसर देने के लिए। दोस्तों, बेयरिंग 2 प्रकार के होते हैं, एंटी फ्रिक्शन टाइप बेयरिंग और फ्रिक्शन टाइप बेयरिंग। एंटी फ्रिक्शन टाइप बेयरिंग में आते हैं बॉल बेयरिंग और रोलर बेयरिंग, और जो फ्रिक्शन टाइप बेयरिंग है उनमें आते हैं बुश बेयरिंग। क्वेश्चन नंबर 9, बुश बेयरिंग में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। 5 सेकंड आपके पास। दोस्तों, बुश बेयरिंग में सॉफ्ट मेटल का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि ब्रास, ब्रोंज या फिर टेफ्लोन। क्वेश्चन नंबर 10, दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपने कमेंट करके बताना है। 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? दोस्तों, अगर हम मिलीमीटर की बात करें तो 1 इंच में 25.4 मिलीमीटर होते हैं, और आपने बताना है कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।